Hello my dear friends, welcome to the class. General Organic Chemistry में हमारा आज का next topic है बेटे, it's a very important topic and it is your aromaticity. हमने organic compound को तीन category में divide कर रखा है बेटे. किस तरह? First है बेटे आपके aromatic compounds. Second है बेटे आपका एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड इज नॉन एरोमेटिक. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्टली इज योर एरोमेटिक. क्या डिफरेंस है एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में या नॉन एरोमेटिक में, या क्या सिमिलरिटीज है, एक बार ये देखते हैं. ठीक है, एरोमेटिक के लिए जो सबसे पहली जो कंडीशंस है बच्चों वो क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर. ओके, फर्स्ट पॉइंट. एंड एंटी एरोमेटिक ये भी आपका साइक्लिक है. ठीक है, सेकंड, ये आपका प्लेनर हो या फ्लैट हो, प्लेनर हो या फ्लैट हो, इट मींस व्हाट, जो कार्बन एटम्स हैं या कोई भी हेटेरो एटम है उसमें हाइब्रिडेशन या तो sp2 हो सकती है या कहीं कहीं आपकी sp हाइब्रिडेशन भी मिल सकती है. ये सेम कंडीशंस आपकी एंटी एरोमेटिक में भी रहेगी बिल्कुल. थर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हैं, दे मस्ट बी कंजुगेशन टुवर्ड्स होल सिस्टम, या हम क्या कह सकते हैं, दे मस्ट बी कंप्लीटली कंजुगेटेड. ये आपके कंप्लीटली कंजुगेटेड होने चाहिए. एंड सिमिलरली यही कंडीशंस आपकी एंटी एरोमेटिक में भी लगेगी. तो ये तीन पॉइंट्स आपके एरोमेटिक के और एंटी एरोमेटिक के सेम है. फोर्थ पॉइंट जो यहां पर डिफर करेगा इनको, यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो है आपके 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n इज सिंपली अ इंटीजर, वैल्यू हियर 0 1 2 3 एंड सो ऑन. इफ यू पुट हियर 0 आंसर कम आउट्स टू 2, आप 1 पुट करेंगे 6, 2 पुट करेंगे 10 एंड सो ऑन. तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखे हैं 2 6 10 14 18 ये होना जरूरी है. ओके, और इस रूल को क्या बोला जाता है बच्चों, इट इज कॉल्ड हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी. हक्कल रूल बोलते हैं इसको. यहीं पर फोर्थ पॉइंट की भी हम बात करें इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक केस में, यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो बन जाते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन. क्या बन जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 4n कर लीजिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. n यहां पर 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें, n 1 2 3 एंड सो ऑन. इफ वैल्यू 1 4 2 8, 3 पुट करते हैं, 12 एंड सो ऑन. तो दैट इज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हुए बच्चों, जिनमें चाहे आपकी एरोमेटिक की है या एंटी एरोमेटिक की है, एक या एक से ज्यादा कंडीशंस ना लगे, उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं. क्लियर है? अब बात करेंगे हम स्टेबिलिटी की. एरोमेटिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा, हैविंग सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यदि कोई आपके पास ओपन चेन कंपाउंड है बच्चों तो एरोमेटिक कंपाउंड उससे ज्यादा स्टेबल होगा. ध्यान रखें कि दोनों में क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन सेम हो. पर एंटी एरोमेटिक, इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं. ठीक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी. सबसे ज्यादा एरोमेटिक की है बच्चों, फिर आपकी नॉन एरोमेटिक की, और सबसे कम आपकी एंटी एरोमेटिक की है. ये ध्यान रखें, पैरामैग्नेटिक होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन है आपके इसके आउटर मोस्ट वो आपके अलग अलग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, विच इंक्रीज इट्स एनर्जी एंड ऑब्वियसली डिक्रीज इट्स स्टेबिलिटी. ओके,
स्टेबल टी ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, एरोमेटिक, देन योर नॉन एरोमेटिक एंड फाइनली इज योर एंटी एरोमेटिक, इट्स योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके चलिए, हमने एरोमेटिक कंपाउंड को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेटे। इस आईपीसी नोमेनक्लेचर के वक्त मैंने आपको बताया भी था, दैट इज वन इज बेंजोइड स्ट्रक्चर एंड सेकंड है बेटे नॉन बेंजोइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाम से ही पता लग रहा है कि बेंजोइड्स कौन से होंगे जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो हुई हो। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्या है स्ट्रक्चर बेंजोइड्स का, ऑब्वियसली बेंजीन ही होगा, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ योर बेंजोइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजोइड्स यहां पर आपकी बेंजीन रिंग नहीं होगी, इसका ध्यान रखें। ठीक है, चले आगे, अब कुछ एग्जांपल करते हैं बच्चों की। ठीक, देखिए इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से कंपाउंड आपके एरोमेटिक हैं और कौन से आपके नॉन एरोमेटिक हैं या कौन से एंटी एरोमेटिक हैं। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं सारे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको देखना है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए मैं साइक्लिक तो मैं लिख ही रहा हूं, ठीक है, यदि साइक्लिक है तो सबसे पहले आपको ये देखना कि एरोमेटिक है या आपका एंटी एरोमेटिक है। ओपन चेन यदि है तो वो आपका नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, ध्यान रखें। ठीक है, अब यहां देखिए ये कंपाउंड क्या है आपका, टू पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, पर एक कार्बन क्या है आपका, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बच्चों ये आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखें। ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2, बट दिस कार्बन इज sp3। ओके चलिए, सेकंड तो आप ये सारे कंपाउंड नोट कर ले बच्चों। ठीक है, चलिए करते हैं डिस्कस हर एक को। अब यहां देखिए टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हेयर, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हेयर, थ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया था रेजोनेंस में क्या, जब भी कोई भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में तो वो पाई इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर टू है बेटे, यहां दो ये और दो ये, दो ये और एक ये। ठीक है, देखिए sp2 एरोमेटिक, दिस इज व्हाट, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस एंटी एरोमेटिक, दिस इज थ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप सब इसको देखकर ही क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ओके चलिए नेक्स्ट, अब एक और समझना बच्चों, यदि ऐसा स्ट्रक्चर कहीं लिखा हुआ है साइक्लिक के अंदर, यदि पॉजिटिव चार्ज हमने लिख दिया तो उसका मतलब क्या समझना है आपको, ये ध्यान रखें कि कहीं एक कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव लगा दीजिए, पॉजिटिव सिंगल एक बॉन्ड छोड़ के नेक्स्ट पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो, ऐसे यहां नेक्स्ट पर छोड़ के डबल बॉन्ड हो, ये ध्यान रखें। ठीक है चलिए, ऐसे नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव डबल, रेडिकल है तो रेडिकल डबल। ठीक, ओके देखिए ना, दी स्ट्रक्चर्स sp3 नॉन एरोमेटिक, 4π 2+2 ऑल आर sp2 एंटी एरोमेटिक। ओके चलिए, अब जैसे ये लिख दिया बच्चों, टू पॉजिटिव या टू नेगेटिव, इसकी यदि हम बात करें तो क्या होगा, टू पॉजिटिव है तो कैसे लिखेंगे इसको, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, लाइकवाइज है नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, इस तरह लिखेंगे आप स्ट्रक्चर को, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, नाउ देयर आर हाउ मेनी, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, हियर देयर आर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके नाउ दैट विल बिकम व्हाट, बोथ आर व्हाट, एरोमेटिक्स। ओके चलिए,
नेक्स्ट यदि रेडिकल है, मान लीजिए यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, ये आ जाए आपका इस तरह, तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, देर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2, 1, 2, 3, 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज कॉल्ड व्हाट, एंटी अरोमेटिक। चलिए 5 मेंबर पर आते हैं, हाँ जी बताइए, sp3 नॉन एरोमेटिक, sp3 नॉन एरोमेटिक, sp2 ऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑब्वियसली एरोमेटिक्स। ओके चलिए, रेडिकल है तो भी क्या हो जाएगा, 5 पाई इलेक्ट्रॉन यदि आपका यहां पर रेडिकल है बच्चों इस तरह, तो ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलो तो आसान है बच्चों, सिर्फ आपको कंडीशंस देखनी है कि कौन कौन सी कंडीशंस यहां, ये है आपका 6 मेंबर। नाउ क्या है बच्चों, ये नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, sp3 के कारण, दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। ओके चलिए, अब यदि हम चार्ज की बात करें बेटे, बच्चों चार्ज ऐसे हो बेटा, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठा करो, और जितना भी ये मैटर में नोट करवा रहा हूं, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज सारे का सारा नोट कर ले। ठीक है चलिए, चलिए बच्चों नेगेटिव रेडिकल आ जाए, मान लो यहां पर NH2 है, CHO है, ठीक है, हाँ जी देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2, हाउ मेनी, 6 एरोमेटिक, This is also aromatic. This is also aromatic. तो ये सारे के सारे बच्चों क्या हो गए आपके, aromatic हो गए। ठीक है, Involve in conjugation. अब देखिए यहां पर 2, 2, 4, 5, 6 aromatic. अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका aromatic है, ये भी aromatic है और ये भी aromatic है। डबल बॉन्ड पर यदि चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर है, मैंने आपको बताया था बच्चों, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपको ये काउंट ही नहीं करने हैं। तो कितने हैं, 6, 6, तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। नाउ ऑल ऑफ दिस आर आल्सो एरोमेटिक, ये काउंट नहीं करना है, हालांकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं देखिए इस तरह, पर एरोमेटिसिटी इनकी वजह से नहीं है, ये है आपके एरोमेटिक। ठीक है, ये है एरोमेटिक आपका, हम इस तरह लिख देते हैं CH3, बेंजीन को देखना आपको, बेंजीन क्या आपकी 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, ये साइक्लिक से कहां हो गया आपका, ये बाहर है, ध्यान देना, ठीक है ना, साइक्लिक, ये पार्ट आपका साइक्लिक का नहीं है, साइक्लिक का नहीं है, तो ये आपका एरोमेटिसिटी वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना ही नहीं है आपको, ये ध्यान देना आपको। ओके चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटे, नेक्स्ट ईयर 7 मेंबर पर आते हैं, अब चलिए, नाउ दिस इज व्हाट, क्या बनेगा ये, नॉन एरोमेटिक, यदि मैं यहां पर चार्ज पॉजिटिव ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, भी एरोमेटिक, ध्यान देखना, यदि कुछ भी नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, यदि यहां पर चार्ज पॉजिटिव आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो एरोमेटिक प्रोफाइलियम कैटायन बोलते हैं बच्चों इसको,
यदि आप यहां पर चार्ज नेगेटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव जब आपने रखा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन बने थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, यदि आपने यहां पर नेगेटिव रख दिया बच्चों तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 8। तो क्या बन जाएगा ये, एंटी एरोमेटिक। यहां पर रेडिकल है तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आ जाए यहां पर, तो पॉजिटिव लिखा है हाईली स्टेबल, नेगेटिव है हाईली अनस्टेबल। यदि आपका रेडिकल है तो नॉन एरोमेटिक, ये आपका बीच में रहेगा, तो फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड। ओके चलिए, अब आपको एक पॉइंट ध्यान देना बच्चों, 7 मेंबर तक एलिमेंट यदि आपके सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो चाहे आपकी बटे साइकिल सॉरी चार्ज हो या ना हो, ठीक है, न्यूट्रल है या चार्ज है, सारे की जो स्पीसीज है बटे वो प्लेनर होंगी, क्या होंगी, वो प्लेनर होंगी अप टू 7 मेंबर तक। ये मैंने बताया है आपको, अप टू 7 मेंबर तक, चाहे आपका न्यूट्रल कंपाउंड है चाहे आपका चार्ज कंपाउंड है, वो बच्चों क्या होगा, आपका प्लेनर होगा, ये ध्यान रखें। ओके, 7 मेंबर से यदि हम आगे बढ़ते हैं, 7 मेंबर से आगे बढ़ते हैं, जो चार्ज स्ट्रक्चर है बच्चों वो तो प्लेनर होगा ही होगा, बट न्यूट्रल जो है वो आपका प्लेनर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनोलिन्स की, एनोलिन्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर एनोलिन्स। यहां पर CH डबल बॉन्ड CH N, और N यहां पर क्या है आपकी 2, 4, 6 इस तरह आपका, ठीक है। देखिए पहली बात, यहां पर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वैल्यू 2 है 3 है 4 है, आप पुट कर ली, यदि आप 2 पुट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड 4, आप स्क्वेयर ब्रैकेट में रखें और क्या लिखेंगे, 4 एनुलीन। आप 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 मेंबर, 6 एनुलीन। तो ये आपके इस तरह है सारे, ठीक है, ध्यान रखें, 8 एनुलीन, तो दिस इज योर, और जो पाई बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे, इवन है ये ध्यान रखें, ऑड पाई बॉन्ड नहीं है, तो सच टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज कॉल्ड योर एनुलीन। ओके, नाउ वी विल टेक द केस ऑफ योर साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन COT, आप इसको बोलते हैं, देखिए इसको, बच्चों इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, देयर आर प्रेजेंट 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अभी आपको बताया था 7 मेंबर से यदि जब हम आगे पहुंचते हैं तो जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो प्लेनर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसका ध्यान रखें। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बच्चों क्या होना चाहिए था, आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, पर ये जो स्ट्रक्चर है बेटे आपका ये टब शेप में एडजस्ट करता है, इसमें टब शेप में एडजस्ट करेगा, तो इसकी जो प्लेनरिटी है वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है प्लेनरिटी, और प्लेनरिटी खत्म होते ही ये क्या बन जाता है आपका, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। प्लेनरिटी चली गई तो जो कंजुगेशन है पाई इलेक्ट्रॉन की या जो रेजोनेंस है वो भी यहां नहीं रहेगी, तो एंटी एरोमेटिक अभी नहीं रहेगा, ये किस्म कन्वर्ट हो जाएगा नॉन एरोमेटिक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे 10 एनुलिन्स की, एक बार देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, यहां पर क्या है, हाउ मेनी देर आर अगेन योर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या होना चाहिए था ये एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकर रूल। नाउ व्हाट विल हैपन,
जो ये हाइड्रोजन है आपके, हाइड्रोजन जो एटम्स हमने लिखे हैं यहां पर, ठीक है, इस तरह लिखे होते इसको, तो इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने की वजह से ये जो आपके रिंग है ये प्लेन में नहीं रह पाती, तो कंजुगेशन यहां भी आपकी खत्म हो जाती है। तो ये भी स्ट्रक्चर क्या बन जाता है आपका, नॉन एरोमेटिक है। तो मैं आपको भी ये एक्सेप्शन बता रहा हूं, जैसे पीछे हमने एट एनोलिन का दिया, वो क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन के बेस पर एंटी एरोमेटिक कन्वर्ट किसमें हुआ, नॉन एरोमेटिक। ये 10 एनोलिन है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या होना चाहिए था, एरोमेटिक, बट क्या ये नॉन एरोमेटिक, किस वजह से, इन हाइड्रोजन की वजह से। इनके बीच में क्या हो जाती है, रिपल्शन, तो पोलैरिटी क्या हो जाती है, खत्म, कंजुगेशन नहीं हो पाएगी, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है, चलो। अब यदि मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिख देता हूं, ये भी ध्यान देना बच्चों, इस तरह हमने लिख दिया CH2, ठीक है, या हमने बीच में कोई हेटरो एटम लिया है, O है मान लीजिए यहां पर, या NH है, कुछ भी O आ जाए बच्चों यहां पर, यहां पर नाइट्रोजन के साथ H आ जाए, वो आ जाए सेंटर में, तो ये कंपाउंड आपके अब क्या बन गए, एरोमेटिक। इस चीज का ध्यान रखें, अब इन प्लेनरिटी पर इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपके तीनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं, और ये आपका क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें चीज, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट है बच्चों आपका, इसी तरह आपका यदि 12 एनोलिन पूछ लें तो प्लीज करें आप सभी को, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ 12 एनोलिन, और क्या होगा अकॉर्डिंग टू हर्कल रूल, इट इज योर एंटी एरोमेटिक। ओके, लाइकवाइज 14 एनोलिन है, फिर 18 एनोलिन है, 14 वाला क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज योर This is obviously 14 aniline and it will be what? Aromatic. Likewise 18 aniline आता है, वो भी क्या रहेगा? Aromatic. तो ये रहा आपका about aniline. Okay? अब हम कुछ ऐसे compound discuss करेंगे जहां पर ring के अंदर कोई hetero atom यदि आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब तक ये जो हमने कंपाउंड देखे बच्चों, इनमें कहीं भी हेटरो एटम नहीं था रिंग के अंदर, सिर्फ कार्बन एटम्स थे। ओके, चलिए सिंपलेस्ट, अब ट्राइसाइक्लिक की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका आ गया, ये है बच्चों, एक बार स्ट्रक्चर लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं बच्चों सारे। चलिए, नाउ हेयर देर आर प्रेजेंट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पाई लोन पेयर है बच्चों, ये इन्वॉल्व होंगे किसमें, कंजुगेशन में, तो ये क्या बन गया आपका, एंटी एरोमेटिक। दिस इज व्हाट, एरोमेटिक। BH बोरॉन के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सो एरोमेटिक। एंड हैविंग, अब इसके पास कितने हैं बच्चों, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है क्या आपका ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा, बोलो,
एंड आंसर इज यस। बट एक बात ध्यान रखें, क्या ये कार्बन क्या है? sp3। तो ये क्या बन गया आपका? नॉन एरोमेटिक। ओके चलिए, अब हेयर हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका? एंटी एरोमेटिक। ओके चलिए, हाँ जिसकी बात करते हैं हम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गया बच्चों? एरोमेटिक। इसके पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। ध्यान रखें कंजुगेशन सारे पर होगी। एक बात का ध्यान रखें, क्या ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व क्या बताया था मैंने हमेशा आपका? एक ही होगा। ठीक है, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आ जाइए, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। हेयर 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? एरोमेटिक। हेयर 2 2 2 एम्प्टी ऑर्बिटल, ये बाहर नहीं है बेटा, ये रिंग के अंदर है, ध्यान रखना। अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन दिस इज योर एरोमेटिक। चलिए आगे, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बेटे, कुछ और एग्जांपल लेंगे अभी। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल करेंगे क्वेश्चंस, जो कल हम लेक्चर लेंगे बेटे एरोमेटिसिटी पर, उस पर थोड़ा सा एडवांस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कहां एरोमेटिसिटी काम आती है, क्या इफेक्ट एरोमेटिसिटी का पड़ता है, कल उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज सिंपल कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, इनकी बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक, हां जी चलिए करो। sp3 कार्बन क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक। नाउ हियर एम्प्टी ऑर्बिटल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है अब आपका? एरोमेटिक। हाउ मेनी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलिए, 7 नंबर की बात करें, अब यहां पर चाहे नाइट्रोजन हो, ठीक है, ये भी ध्यान दे लेना बच्चों। एक ही क्वेश्चन बना देते हैं, यहां पर आ गया बोरॉन। ठीक है चलिए, क्या ही अब आपका? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज योर एंटी एरोमेटिक। चाहे ऑक्सीजन है, चाहे आपका नाइट्रोजन है। Now here boron, empty orbital, 6 pi electron, क्या बन गया आपका? बोलिए, this is your aromatic। ओके चलिए, और स्ट्रक्चर करते हैं छोटे। जैसे हमने ये बनाया, पिरिडीन है, इंडोल है, सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, फिर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए ये देखते हैं बेटा बच्चों। हाँ जी, पिरिडीन, अब इसके जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैंने बताया था आपको, डबल बॉन्ड पर है, ध्यान देना, डबल बॉन्ड से अटैच है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज एरोमेटिक। अब ये आपका नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो सकता है, तो हाउ मेनी? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। इसके इन्वॉल्व नहीं होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। अब नाइट्रोजन के नहीं होंगे, सल्फर के होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। ओके चलिए, नेक्स्ट करते हैं बेटे, कुछ और स्ट्रक्चर से देखिए।
ये लॉन्ग पेयर जो है नाइट्रोजन के हम यहां लिखे हैं इन्वॉल्व नहीं होंगे रेजोनेंस में, फिर ध्यान देना हाउ मेनी सिक्स एरोमेटिक। अब ये नाइट्रोजन आपके इन्वॉल्व नहीं होंगे रेजोनेंस में, ओनली दिस एरोमेटिक। अब ये भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये मैंने कुछ आपके एग्जांपल पुट किए बच्चों, तो ये भी क्या हो गया आपका एरोमेटिक। ओके चलिए अब एक डिस्कस करते हैं बच्चों आपका, ये क्वेश्चन से आपका पूछा भी गया है, पायरोल से रिलेटेड है, पायरोल थायरपीन एंड फुरान। चलो क्या है क्वेश्चन देखो, एक बार दिस इज योर फुरान एंड दिस इज योर पायरोल एंड हेयर इफ सल्फर दैट इज योर थायोपीन। ओके चलिए अब हम देखें कि ऑल आर हैविंग सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, सबके पास छह पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसलिए सबके सब क्या है पहली बात एरोमेटिक है। पर हमने देखना है कि ज्यादा एरोमेटिक कौन है, ये भी होता है बच्चों, ठीक है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, आप जब पहुंचते हैं ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से सल्फर की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बच्चों यहां पर डिक्रीज। तो टेंडेंसी जो होगी देने की, इलेक्ट्रॉन देने की, वो क्या हो जाएगी इंक्रीज। या यूं समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो लॉन्ग पेयर हैं सबसे जल्दी किसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, सल्फर के, तो इसमें सबसे ज्यादा एरोमेटिक करेक्टर होगा, तो एरोमेटिक करेक्टर क्या होता जाएगा इंक्रीज। तो ये ध्यान देना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बेटे आज हमने बच्चों एरोमेटिसिटी का फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट किया, इसमें हमने सिर्फ अभी डेफिनेशंस पढ़ी एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की एंड नॉन एरोमेटिक की, एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एटसेट्रा कंपाउंड्स। ओके बेटे तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके थैंक यू बेटा।